हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या भा क्रिएटिविटी जोन। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ बाथरूम के ऑर्गेनाइज़र और बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ कि हम अपने बाथरूम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, और एक तरह से मैं बाथरूम का एक टूर भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये बेसिन है, बेसिन के बगल में ये एक ड्रायर स्टैंड है। सामने मिरर लगा हुआ है और एग्जॉस्ट बहुत ज़रूरी है, तो एग्जॉस्ट लगा है। शावर, और ये देखिए इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। बाथरूम में एक वाइपर होना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमेशा बाथरूम सूखा रहता है, तो नहाने के बाद हमेशा वाइपर से पानी हमको निकाल देना चाहिए। ये देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र है कपड़े रखने के लिए, गंदे कपड़ों के लिए बास्केट। और बाथरूम का जो सामान है जैसे साबुन, तेल और बाकी सारी चीज़ें हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, तो उसके लिए ये देखिए एक कवर्ड लगा हुआ है। तो क्लोज्ड कवर्ड बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो आप अंदर कैसे भी सामान रखें, बाथरूम अगर आपका कवर्ड बंद है तो बाथरूम एकदम साफ सुथरा लगता है। ये देखिए काफ़ी सामान आ गया है इसमें, और चूंकि क्लोज्ड कवर्ड है इस तरह से, तो कोई भी सामान नहीं दिखेगा, तो बाथरूम ऑटोमेटिकली साफ सुथरा लगेगा। अभी मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र भी शेयर करूँगी अगर आपके बाथरूम में सामान रखने के लिए नहीं है तो। बाथरूम साफ़ सुथरा हो तो अच्छा रहता है। बहुत से लोग बाथरूम को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन बाथरूम आपका बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। टाइम टाइम पे आपको बाथरूम साफ़ करते रहना चाहिए। टाइल्स साफ़ करने के लिए आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। नल साफ़ करने के लिए स्टील के आप टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बाथरूम है तो सेम उसी तरह से बना हुआ है। फ़ैन ज़रूर लगाना चाहिए बाथरूम में, गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर फ़ैन नहीं लगा रहता है तो। तो ये देखिए इस तरह का लुक है इस दूसरे बाथरूम का। दरवाजे के पीछे होल्डर्स लगे हुए हैं, आप वहाँ पे कपड़े टांग सकते हैं, और यहाँ पे भी एक क्लोज्ड कवर्ड है। अब मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र बताने जा रही हूँ प्राइस के साथ, जिसको आप अपने बाथरूम में लगा सकते हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। देख सकते हैं कॉर्नर पे ये फोर टायर ऑर्गेनाइज़र आप लगा सकते हैं, इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा, आपका कॉर्नर यूटिलाइज हो जाएगा। ये भी बाथरूम ऑर्गेनाइज़र है, प्राइस आपको अमेजन की प्राइस दिख रही है, 699 का ऑर्गेनाइज़र है, और स्टिकर की तरह है, आप इसको वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, कील की ज़रूरत नहीं है। 1498 का क्लोज कवर्ड ऑर्गेनाइज़र है, काफ़ी अच्छा है। ये 599 का स्टील का सेल्फ है, इसमें टॉवल के लिए स्पेस है, शैम्पू के लिए स्पेस है। 369 का एक पीस है और इसको हम वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। ये टूथब्रश और टॉयलेटरी स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र है। 1399 का थ्री टायर प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र है, इसमें टॉवल के लिए भी स्पेस है, साबुन के लिए स्पेस है, सामान रखने का स्पेस है। 500 से 1000 रुपये खर्च करने पे आप अपने बाथरूम को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। स्टाइलिश ऑर्गेनाइज़र लगाने से आपके बाथरूम ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। आई होप आपको सारे ऑर्गेनाइज़र पसंद आए होंगे। मेरा वीडियो पसंद आए तो यहाँ रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो बगल में एक बेल आएगी, बेल पे क्लिक करना है, तो तीन ऑप्शन आएंगे, हमें ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारी वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।